नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड से मैट्रिक की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के साथ ही बिहार में एक बार फिर से शिक्षा की गाड़ी को पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच अब मैट्रिक 2023 के लिए पंजीयन की प्रक्रिया को लेकर तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अब इच्छुक छात्र 31 जुलाई तक पंजीयन का काम कर सकते हैं। वहीं इसकी प्रक्रिया 11 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब वर्तमान समय में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र समय से पहले अपने पंजीयन का काम पूरा करवा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब केवल ऐसे ही छात्रों को पंजीयन का मौका दिया जाएगा जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हो। मान्यता प्राप्त स्कूल में नहीं पढ़ने वाले छात्रों को पंजीयन हेतु बिहार सरकार मौका नहीं देने वाली है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रहे कि 9वीं में पढ़ने वाले ऐसे ही छात्रों को पंजीयन का मौका दिया जाएगा जिनकी उम्र कम से कम 14 साल है। 14 साल से कम के छात्रों को भी पंजीयन करवाने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, बिहार बोर्ड की तरफ से करवाए जा रहे पंजीयन से पहले छात्रों को प्रचार्य फॉर्म मुहैया करवाएंगे, जिसके बाद ही छात्र अपने पंजीयन संबंधी काम करेंगे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि जो भी छात्र पंजीयन के योग्य है वो निर्धारित तारीख से पहले अपना पंजीयन जरूर करवा ले। मौका खत्म होने के बाद छात्रों का पंजीयन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो छात्रों का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि बिहार बोर्ड की तरफ से करवाए जा रहे पंजीयन से एक छात्र 3 बार तक परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि 3 बार से ज्यादा में छात्रों को एक ही पंजीयन पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं आपका पंजीयन शुल्क होगा कितना। बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक छात्र को ₹320 पंजीयन शुल्क के रूप में देना होगा। वहीं स्वतंत्र कोटि के छात्रों को ₹450 शुल्क देना होगा। वहीं कोरोना के माहौल को देखते हुए बिहार बोर्ड भी अब अपनी हर एक सुविधा छात्रों को ऑनलाइन ही मुहैया करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पंजीयन शुल्क का भुगतान भी अब ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा, जिसके तहत सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर दिए गए फॉर्म को प्रचार्य डाउनलोड कर छात्रों को मुहैया करवाएंगे, जिसके बाद ही छात्र परीक्षा फॉर्म को भरने के बाद पंजीयन की आगे की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। इसके साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए प्रोटोकॉल के तहत पंजीकरण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही करवाई जाएगी। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर के छात्रों को एक बार और पंजीयन करवाने का मौका दिया है, जिसमें पंजीयन कराने वाले छात्र 2022 की 12वीं की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो कि 15 जुलाई तक ही जारी रहेगी। हालांकि बिहार बोर्ड साल 2022 की 12वीं परीक्षा को लेकर पंजीयन करवाने का काम बहुत पहले ही पूरा करने वाला था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण छात्रों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। पहले यह तारीख इंटर के छात्रों के लिए 11 नवंबर और 9वीं के छात्रों के लिए 16 फरवरी तक ही तय की गई थी। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के बाद अब स्कूल कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। साथ ही छात्रों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, इसको लेकर जिन कक्षाओं का संचालन नहीं करवाया जा रहा है वैसे छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। वहीं अब परीक्षाओं को लेकर भी सभी बोर्ड अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।